प्लीज मत मार मुझे, प्लीज मत मार मुझे, प्लीज मत मार मुझे। वीएस पुलिस स्टेशन, फौरन बीट नंबर 14 को रिपोर्ट करो। आरे में एक अज्ञात औरत की बॉडी मिली है। बीट नंबर 14 आरे कॉलोनी, वीएस पुलिस स्टेशन, तुरंत रिपोर्ट करें। अनगिनत वार किए गए, बहुत बुरी तरीके से मारा। कपड़े, अंगूठी, घड़ी और सैंडल देखकर तो ये लगता किसी अच्छे घर के हो। बॉडी और पत्थर पे खून अभी भी ताजा है, मतलब मर्डर हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। सर, औरत की बॉडी से पर्स, फोन आईडी ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके, और आसपास भी ढूंढा है, कुछ भी नहीं मिला। कौन हो सकती है औरत? रीगेन 19। घड़ी ब्रांडेड है शायद, काफी महंगी लग रही है। लगता तो है सर, लेकिन कंफर्म करना पड़ेगा। और सर, ये अंगूठी, ये सोने की लगती है। इस पे ये शायद कोई गुड लक स्टोन है। और टॉप? सर, ये टॉप भी महंगा लग रहा है, शायद किसी मॉल वॉल से खरीदा होगा। जब ये बॉडी आपको मिली उससे तकरीबन 3 या 4 घंटे पहले इनका मर्डर हुआ है। हमें आरे में बॉडी मिलने की खबर 8:15 बजे मिली, तो मर्डर 4 से 6 के बीच में हुआ होगा। राइट, और इनके घाव अभी तक ताजा है। ये पत्थर पे जो ब्लड के सैंपल्स मिले हैं वो विक्टिम के ब्लड के सैंपल से मैच भी हुए हैं। मतलब विक्टिम का चेहरा इसी पत्थर से बिगाड़ा गया। राइट। डॉक्टर, चेहरे का नक्शा कुछ बचा जिससे विक्टिम की पहचान हो सके? पूरी तरह से कुचल दिया गया है, और किसी चाकू जैसी धारदार चीज से इनके पेट और छाती पे 21 दफा वार किए गए हैं। 21 बार किस तरफ इशारा करते हैं? इशारे का तो पता नहीं संजय, बट नफरत जरूर दिखती है। सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं, बट ये सेक्सुअली एक्टिव जरूर थी। आखिर कौन हो सकती है औरत? क्या कहानी है इसकी? क्यों किसी ने इस औरत को इतनी बेरहमी से मारा? एक औरत जिसका बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था। कौन थी औरत और क्या थी इसकी कहानी? और ये तभी पता चल पाता जब इसकी पहचान हो पाती, और इसकी पहचान ढूंढना ही इस केस में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। एक औरत जिसकी उम्र लगभग 28 से 30, कद 5'4", रंग गेहुआ, नीली जीन्स और पीच रंग का टॉप, ब्राउन सैंडल, बाएं हाथ में जेप्सन घड़ी और दाएं हाथ में सोने की अंगूठी पहने, गोरेगांव पुरवा आरे के नजदीक मृत पाई गई है। इस औरत के बारे में अगर किसी के पास कोई भी जानकारी हो तो फौरन VS पुलिस स्टेशन को इन नंबर्स पर संपर्क करें। अगले 24 घंटों के अंदर वीएस पुलिस ने आरे में मिली अज्ञात औरत की लाश की खबर मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन्स में भेजी, इस उम्मीद में कि कहीं तो इससे मिलती जुलती कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो जिससे वो इस अज्ञात औरत की पहचान कर पाए। सर, मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन को अलर्ट किए हुए 2 दिन हो गए, पर अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि इस औरत से मिलती जुलती कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई। औरत को गायब हुए 2 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। आरे के आसपास पता की? शायद कोई औरत गायब हो रिपोर्ट ना लिखवाई गई। खबरियों को काम पर लगाया सर, पर अभी तक उनसे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, और ना ही सामने से कोई मिसिंग होने की बात आई। तो हो सकता है औरत मुंबई की ना, ये किसी दूसरे शहर से मुंबई में आई। हो सकता है सर, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इस औरत का मर्डर 4 सितंबर की सुबह 4 से 6 के बीच हुआ है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जो सर्विस रोड उतरता है आरे की तरफ, जहाँ इसकी लाश है, वो ज्यादा अंदर भी नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि इसकी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट हो, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड साथ में हो, उसी ने इसको रास्ते में मार डाला, चेहरा बिगाड़ के फेंक दिया ताकि बॉडी की पहचान ना हो सके। अगर ऐसा है तो फिर इसने अपनी फ्लाइट मिस की होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स में इसका नाम जरूर होगा, वहां से पता करो। पैसेंजर का नाम क्या है? नाम नहीं पता, अब तक उसकी पहचान नहीं हुई। हमें पक्का पता नहीं है कि उसकी फ्लाइट मिस हुई, लेकिन अगर आपके रिकॉर्ड में कोई ऐसी औरत है जिसकी उम्र 28 से 30 साल है और उसने अपनी फ्लाइट मिस की, तो हमारे पास एक लीड हो सकती है। रीगेन 19, ये जीन्स का ब्रांड हमने लास्ट ईयर 2018
फरवरी में लॉन्च किया था। जींस के लेवल पे जो मार्किंग है, शायद उससे पता चल जाए कि जींस किसने खरीदी थी। इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगी, पर ये जींस एग्जैक्टली किसने खरीदी है ये पता लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि हम ऑल ओवर कंट्री में अलग अलग जगह पे सेल करते हैं ये जींस का। जेप्सन वॉच हमारी जुबली सीरीज की प्राइम कलेक्शन, और घड़ी का जो मॉडल आपने भेजा है वो जुबली प्राइम लेडीज वॉच है। मिस्टर शेखर, हमें एक डेड बॉडी मिली है जिसके हाथ में घड़ी थी, अभी तक उस औरत की पहचान नहीं हो पाई। आप इस घड़ी की सेल डिटेल्स दे सकते हैं, कब किसने खरीदी? पर बिना नाम के मैं कैसे पता कर सकती हूँ कि उस दिन किस लेडी की फ्लाइट मिस हुई है? आपके पास ऐसी कोई तो लिस्ट होगी जिसमें उन पैसेंजर्स की डिटेल्स होगी जिन्होंने अपनी फ्लाइट मिस की है। सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक 40 डोमेस्टिक और 25 इंटरनेशनल फ्लाइट्स अलग अलग टर्मिनल से हैं। अगर उस लेडी ने पहले ही चेक इन कर लिया होगा तो इनमें और भी एयरलाइंस जुड़ जाएंगी, और अगर हर एयरलाइन से मैंने लिस्ट भी मंगवा ली तब भी ये पता कर पाना मुश्किल है कि उस दिन किस लेडी की फ्लाइट मिस हुई है। लेकिन जो लॉट बनते हैं उसके स्टॉक की डिटेल तो होगी ना, कि आपने वो स्टॉक कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए और उन लोगों ने आगे किन्हें बेचे। अगर ये लेबल और इसके डिटेल से आप पता लगा पाए कि ये कब मैन्युफैक्चर हुई थी और किस डिस्ट्रीब्यूटर को बेची गई थी, तो शायद हम भी ये पता लगा पाए कि ये जींस किसने खरीदी थी। लेकिन सर, उसके लिए मुझे बैक डेट जाके सभी आउटलेट्स के स्टॉक डिटेल्स, सेल, परचेज सब चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा। मिस्टर शेखर, ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है इस केस को सॉल्व करने के लिए, उस औरत की पहचान के लिए कि वो औरत कौन थी और किसी ने उसे इतनी बेरहमी से क्यों मार डाला। पर तुम मेरी भी तो मजबूरी समझो, इट्स अ हाई प्रेशर जॉब, यहाँ वर्क का इतना प्रेशर है, स्टाफ ओवरवर्क्ड है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि कोशिश कर सकती हूँ। आप मुझे वो लेबल मेल कर दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हम इस बॉडी को ज्यादा 1 हफ्ते तक प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी ऑलरेडी सड़ना शुरू हो चुकी है। बस डॉक्टर, कुछ दिन और, जल्दी हमें इसके बारे में कोई लीड मिल ही जाएगी। उस अनजान औरत की लाश से मिली चीजों की पुलिस शिनाख्त तो कर रही थी, पर कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग पा रहा था। और फिर उस औरत के हाथ की अंगूठी ने पुलिस को एक उम्मीद बंधाई कि ये औरत भारत के किस कोने से हो सकती है। बेशक किसी शहर का नाम सामने नहीं आया, पर वो किस क्षेत्र से हो सकती है ये अंदाजा लगाया जा सकता था। ये अंगूठी सोने की नहीं, पीतल की है सर। सोना या पीतल में कोई फर्क नहीं पड़ता सर, असली कीमत इस स्टोन की है। ये स्टोन काफी कीमती है। कौन सा स्टोन है ये? इसे पुखराज कहते हैं, और इसे इस उंगली में, तर्जनी में, इंडेक्स फिंगर में पहना जाता था। लाश की उसी उंगली में ये अंगूठी थी। आप बता रहे थे बहुत कीमती होता। कई लोगों का मानना है कि धन वृद्धि, मतलब काम अच्छा चले, लक के लिए, सुख समृद्धि के लिए, या जिन औरतों को बच्चा नहीं होता है वो संतान प्राप्ति के लिए भी ये अंगूठी पहनते हैं। इस अंगूठी से पहनने वाले के बारे में कुछ पता चल सकता है? पहनने वाला कौन होगा, कहां का रहने वाला होगा? कौन का तो पता नहीं, लेकिन शायद ये उत्तर भारतीय हो सकती है। उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, वो तो काफी बड़ा है, कई स्टेट है उसमें। नॉर्थ इंडिया क्यों? इस स्टोन की कटिंग और डिजाइन उस तरफ के लोग पसंद करते हैं, जैसे कि दक्षिण भारत महाराष्ट्र में अलग तरह की डिजाइन और कटिंग्स लोग पसंद करते हैं, और इसे देखकर कहा जा सकता है कि ये नॉर्थ इंडियन डिजाइन की है। अंगूठी से और कुछ पता चल सकता है? किस ज्वेलर ने बनाई, कोई कोड वगैरह, खरीदने या बेचने वाले के बारे में कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। गोल्ड रिंग होती तो कोड होता, ये तो सिंपल प्लेन अंगूठी है। उस अनजान औरत की डेड बॉडी की फोटो, उससे जुड़ी हर जानकारी उत्तर भारत के हर छोटे बड़े शहर में भेजी गई। स्थानीय लोकल नेटवर्क को भी डेड बॉडी से जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई, इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो जो इस औरत से मैच करती, और डेड बॉडी की पहचान पर अटके हुए इस केस की तहकीकात को आगे बढ़ने में मददगार साबित। सर, हमने खबरियों को काम पर लगाया है। गोविंद ने भी अपनी पूरी टीम को वेस्टर्न सबअर्ब के सारे होटलों में चेक करने के लिए भेजा है, पर प्रॉब्लम ये है कि बॉडी का चेहरा ही नहीं। चेहरा नहीं, लेकिन बॉडी की बाकी चीजें तो है, कपड़े, घड़ी, अंगूठी, सैंडल, ये सब। हो सकता है विक्टिम मुंबई में कहीं बाहर से आई हो, तो किसी ने किसी होटल में चेक इन किया होगा, उस होटल के सीसीटीवी में कैप्चर जरूर हुई होगी। सर, हमने सब जगह देखा पर ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं दिया। कुलकर्णी, कहीं हम गलत ट्रैक पर तो नहीं? विक्टिम मुंबई की हो, मिसिंग हो, पर मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई नहीं गई, और उसके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसको मार दिया, और चेहरा इसलिए बिगाड़ा गया ताकि पहचान ना हो सके। सर, फिलहाल तो हमें बॉडी के बारे में सोचना चाहिए कि क्या कर रहा है। मुर्दा घर वाले कह रहे हैं कि वो बॉडी को ज्यादा दिन नहीं रखे, मुझे तो लगता है हमें बॉडी को दफना देना चाहिए। जैसे कोई लीड मिलेगी, री इंस्पेक्शन के लिए हम बॉडी वापस निकाल सकते हैं। नॉर्थ इंडिया, लखनऊ,
जेप्सन जुबली प्राइम वॉच से एक इन्फॉर्मेशन आई है। 17 अप्रैल 2019 को लखनऊ के एक आउटलेट से सेम मॉडल की घड़ी खरीदी गई थी। ये उसका बिल है। बिल में खरीदने वाले की सारी डिटेल्स है। राकेश अग्रवाल, खरीदार का फोन नंबर भी है। 444-9369। राकेश अग्रवाल। हेलो, राकेश अग्रवाल जी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं मुंबई पुलिस से पीआई संजय कुमार बोल रहा हूँ। जी कहिए सर। राकेश जी, आपने 17 अप्रैल 2019 को एसके मॉल में जेप्सन वॉच के आउटलेट से जेप्सन जुबली प्राइम वॉच खरीदी थी। हाँ, तो आप बता सकते हैं वो घड़ी आपने किसके लिए खरीदी थी? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आखिर बात क्या है? क्योंकि वैसी सेम घड़ी हमें मुंबई में एक औरत की डेड बॉडी पर मिली है। उसका मर्डर 4 सितंबर को हुआ था। हाँ तो सर, मिली होगी, इससे मेरा क्या लेना देना? देखिए सर, वैसे पूरी दुनिया में एकलौती घड़ी तो नहीं बनी होगी ना। हम लखनऊ पुलिस से कांटेक्ट कर चुके हैं, वो बहुत जल्द आपके एड्रेस पर पहुंच रही होगी। ये क्या बकवास है सर? अब वैसी ही घड़ी किसी डेड बॉडी पर मिली है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मतलब उसके लिए आप मुझे परेशान करेंगे? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो घड़ी आपने किसके लिए खरीदी थी? सर, मैंने अपनी वाइफ के लिए खरीदी थी। ये उसका बर्थडे गिफ्ट था। 20 अप्रैल को उसका बर्थडे होता है, तो इसलिए मैंने 17 अप्रैल को खरीदा था। क्या नाम है आपकी वाइफ का और इस वक्त कहाँ है? प्रिया अग्रवाल। वो किचन में है और मेरा लंच पैक कर रही है। मैं आपको अभी वीडियो कॉल कर रहा हूँ, आप उनके पास ही रहिएगा। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने वो घड़ी अपनी वाइफ को गिफ्ट की थी। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि वो घड़ी आज भी आपके पास ही है। सर, ये मेरी वाइफ प्रिया अग्रवाल। प्रिया जी, क्या मैं वो घड़ी देख सकता हूँ जो आपके हस्बैंड ने आपको बर्थडे पर गिफ्ट की थी? इतना काफी है या और कुछ देखना है आपको जिससे आपको और तसल्ली हो जाए? पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड या और कुछ? सर, लखनऊ पुलिस ने कंफर्म किया है कि वो औरत राकेश अग्रवाल की पत्नी प्रिया अग्रवाल ही है। उन्होंने पड़ोसियों से भी पूछताछ की और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेक किए। सर, आपने मुझे जो कोड दिया था उसके मुताबिक हमारे रिकॉर्ड्स में ये घड़ी राकेश अग्रवाल ने ही खरीदी थी लखनऊ में। फिर भी आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो मैं फिर से चेक करता हूँ। लेकिन मिस्टर शेखर, मैंने आपको घड़ी का बैच नंबर बाकी सारी डिटेल्स भेजी है, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में कोडिंग के समय सीरियल नंबर में कुछ मिक्सअप हो गया हो। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं फिर से चेक करता हूँ। रीगन 19 जींस की कंपनी की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। पूछने पर यही कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। सर, एयरलाइन से भी पता चल पाना मुश्किल है। हम हर रोज कॉल कर रहे हैं लेकिन उन पे भी काम का प्रेशर है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक औरत गायब है लेकिन उसका पता लगाने वाला कोई भी नहीं, क्या उसकी फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त कोई भी नहीं जो ये पता लगाना चाहे कि औरत कहाँ चली गई? शीला, राधिका का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस क्या कह रही है? वो तो कह रही ढूंढ रही है, पर राधिका अचानक ऐसे कहाँ चली गई? दिनों की कोशिश और मेहनत के बावजूद आरे के जंगल में मिली अनजान औरत की लाश को बिना नाम दफनाना पड़ा क्योंकि पुलिस अब तक उसकी पहचान ढूंढने में नाकामयाब रही थी। दूसरी तरफ एक दूसरे एरिया की पुलिस को भी एक औरत की अज्ञात लाश मिली थी। इस लाश की भी पहचान नहीं हो पाई थी और उसे भी दफनाया जा रहा था और इसकी जानकारी वीएस पुलिस स्टेशन को नहीं थी। पर अब एक स्पष्ट जानकारी वीएस पुलिस को मिलने जा रही थी उस मर्डर की जो शायद किया जा चुका था। आसिफ मोहम्मद नाम है साहब उसका, बलाड वेस्ट में रहता है। उसको उठाइए, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। आसिफ मोहम्मद, किसी का मर्डर किया इसने? अपनी बीवी मरियम मोहम्मद का।
सस्पेंस मत बढ़ा गोविंद, साफ साफ बोल। साहब, इसकी बीवी 3 सितंबर से गायब है। मतलब? मतलब ये कि वो अपन लोगों को एड़ा बना रहा है। आरे में जो औरत का डेड बॉडी मिला है ना, उसका हुलिया इसी ने चेंज किया ताकि पुलिस को लगे कि ये किसी अच्छे घर की औरत है और पुलिस का ध्यान इस आसिफ पे जाए नहीं। चल, आसिफ मोहम्मद का एड्रेस है, देखते हैं कितना सही है तेरा टिप। आसिफ मोहम्मद? नहीं हूँ साहब, क्या हुआ? तेरी बीवी मरियम मोहम्मद कहाँ है? मैंने मरियम को मारा? अपनी बीवी को? क्या बात कर रहे हो साहब? मारा नहीं तो गई कहाँ, पूरा घर छान मार। तुमने अपने घर से उसकी एक एक चीज गायब कर दी। ये अंगूठी, घड़ी, सैंडल और ये जींस, ये सब कहां से लाया था? मरियम की बॉडी को पहनाने के लिए। साहब, आपको किसने बोला ये मरियम है? अच्छा, चल तो बताइए कौन है। अब ये कौन है साहब तो पता नहीं, लेकिन मरियम से मेरी रोज बात होती है। अगर मैं सुबह बात नहीं कर पाता हूँ तो रात को अक्सर जरूर बात हो जाती है। आपको अगर यकीन नहीं हो तो मैं आपकी अभी उससे बात करवा देता हूँ। अच्छा, बात करो। क्या साहब, आपको किसी ने कुछ भी बोला और आप भी ना? लो साहब, घंटी जा रही है, आप खुद ही बात कर लो, आपको यकीन। सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप कौन बोल रहे हैं? पहले आप बताइए आप कौन बोल रहे हैं? ये तो मेरे शौहर आसिफ का नंबर है, आपके पास कैसे आया? मैं मुंबई पुलिस से इंस्पेक्टर संजय शर्मा बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर? लेकिन ये तो मेरे शौहर आसिफ का नंबर है, वो ठीक तो है ना? मेरी बात कराइए उनसे। बात करवाएंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपके शौहर का पूरा नाम क्या है? आसिफ मोहम्मद। आखिर बात क्या है बताइए मुझे, और इस तरह डराइए मत। और आपका पूरा नाम क्या है? मरियम, मरियम मोहम्मद। अल्लाह के वास्ते मेरी उनसे बात कराइए, बड़ी मेहरबानी होगी। सर, हमें आसिफ के घर से किसी भी औरत का कोई सामान नहीं मिला। मैंने उसके घर के आसपास पूछा, लेकिन सबका यही कहना है कि उसको कभी किसी औरत के साथ नहीं देखा उन्होंने। मरियम मोहम्मद? जी हाँ, आसिफ मोहम्मद की पत्नी। पत्नी? और मैडम, वो तो यहाँ पे अकेले ही रहता है, उसके साथ कभी कोई औरत को देखा ही नहीं है। उसकी पत्नी तो जोधपुर में रहती है, उसने एक बार बताया था। सर, लगता है इस बार भी घड़ी वाले राकेश अग्रवाल की टिप की तरह ही रॉन्ग नंबर लगा। लगता है गोविंद का दिमाग खराब हो गया, ब्लाइंड मर्डर में ब्लाइंड टिप दे। खामखा आपने मेरी बीवी को डरा दिया साहब, और आपको किस बेवकूफ ने बोला कि मैंने अपनी बीवी का मर्डर किया? काम क्या करता था? दिहाड़ी मजदूर हूँ, कारपेंटरी करके जैसे तैसे दो पैसे कमाता हूँ साहब, और उन दो पैसे में से बचाकर अपने घर भेजता हूँ ताकि मेरी बीवी हमारे बेटे इखलाक को अच्छी तालीम दे सके, अच्छा खाना खिला सके। पुलिस को लगने लगा था कि लखनऊ के राकेश अग्रवाल की तरह उन्हें एक बार फिर गलत जानकारी दी गई थी, लेकिन आसिफ के जरिए पुलिस के सामने एक ऐसा खुलासा होने जा रहा था जो इस केस को एक अलग ही स्तर पर, एक अलग ही मोड़ पर ले जाने वाला था। अरे गोविंद, ये क्या मजाक लगा रखा है? हमारे सामने आने से पहले एक बार ठीक से पता तो कर लेता। आपको मेरे से ज्यादा वो आसिफ की बातें भरोसा है? मैं बोल रहा है साहब, मर्डर वही किया है। यदि खबर गलत निकली ना तो नेटवर्क छोड़ के आउट होने को तैयार है मैं। अरे गोविंद, उसकी बीवी मरियम तो जोधपुर में है, हमने बात की उससे। वो अपन लोगों को फिर से घुमा रहा है साहब, उसका इधर एक औरत के साथ सेटिंग है, अपना पंटर लोग उस औरत का एड्रेस ढूंढ देंगे। नाम और एरिया मालूम है मेरे को, प्रीति नाम है साहब, धंधा करती है उधर मीरावड़ में, किधर तो रहती है। साहब मैं पक्का बोलता है, आप बोलो तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार है कि जिस लेडीज का डेड बॉडी आप लोगों को मिला है ना, वो मरियम मोहम्मद ही है साहब। राजेश सर, मैं अभी आपको एड्रेस मैसेज करती हूँ। जोधपुर घंटाघर के आसपास ही कहीं मरियम मोहम्मद का घर है, घर पे जो औरत आपको मिलेगी हमें उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जिससे ये प्रूव हो सके कि वही मरियम मोहम्मद है। ठीक है निर्मला, आप फौरन उसका एड्रेस भेजो, इससे पहले कि वो भागने की कोशिश करे, मैं एक टीम लेकर उसके घर पहुंचता हूं। आपको जो करना है करो, जो देखना है देखो, लेकिन मुझे बताओ तो सही आपको कौन गुमराह कर रहा है कि मैंने अपनी बीवी को मारा है? ये गोविंद को क्या हो गया, नशा वशा करने लगा है क्या? वो तो अब भी यही कह रहा है सर कि आसिफ ने अपनी बीवी को मारा और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। वो तो ये भी कह रहा है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, प्रीति नाम है उसका, धंधा करती है, और उसी के लिए उसने अपनी वाइफ मरियम को मारा है। ये आसिफ अपनी बीवी मरियम का कत्ल यहाँ करता है मुंबई में, फिर दूसरी मरियम जोधपुर में पैदा कर देता है। घर नहीं, आसिफ इतना शातिर है कि
क्या नाटक चल रहा है सर? पहले मुंबई पुलिस आसिफ के नंबर से मुझे फोन करती है और अब आप लोग आकर दुनिया भर के सवाल जवाब कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि मैं ही मरियम मोहम्मद हूँ और ये मेरा और आसिफ का बेटा इखलाक मोहम्मद है। तो आपके पास आपका कोई आधार कार्ड या वोटर आईडी तो होगा, दिखाइए। क्यों दिखाऊं? मैंने कहा ना कि मैं मरियम मोहम्मद हूं। देखिए मैडम, आपके पति पर अपनी पत्नी के मर्डर का इल्जाम है और वो इस वक्त मुंबई पुलिस की हिरासत में। अरे लेकिन मैं हूँ उनकी बीवी और मैं जिंदा हूँ, आपको 10 बार बोल चुकी हूँ लेकिन फिर भी आप लोग बेवजह परेशान कर रहे हैं। रुकिए, अभी लेकर आते हैं। ये लीजिए, इतना काफी है कि और सबूत चाहिए आपको? हमारे निकाह को 7 साल हो गए और 5 साल का हमारा बेटा है और हम कहीं बाहर से नहीं आए, यही जोधपुर से हैं। चाहिए तो मोहल्ले वालों को जाके पूछ सकते हैं। और हाँ, 4 घर छोड़के आसिफ के अम्मी और अब्बू रहते हैं। सुबह से परेशान कर दिया आप लोगों ने हमें। सॉलिड झोल किया सब आसिफ ने? अबे कोई झोल नहीं है, जोधपुर की पुलिस मिली है उसके बीवी से, सारे सबूत मिले कि वो मरियम ही है, यहाँ तक कि उसके माँ बाप से भी बात की उन्होंने। हो ही नहीं सकता साहब, मैं 100% बोलता है झोल किया बोल के। अब मालूम नहीं उसने ये मरियम कब पैदा किया। मैडम, आप आसिफ के घर के आजू बाजू से पूछा क्या? हाँ, सबका यही कहना है कि कभी किसी ने उसको किसी औरत के साथ नहीं देखा। कैसे देखेंगे मैडम, मलाड़ में तो ये 5 सितंबर से रहने आया, ये उसका दूसरा घर है, दल्ला है साहब आसिफ, पूरा धंधा काशी मीरा चलाता है। ये उसके मीरा रोड के घर का एड्रेस, जहाँ किसी ने भी इसे 4 सितंबर से नहीं देखा है, यहाँ अपनी बीवी के साथ रहता है, 2-4 और लेडीज लोग भी है जिसको धंधे पे लगाया है, उसी में से प्रीति नाम की एक लड़की है जो उसकी एकदम खास है और उसी के चक्कर में उसने मरियम का मर्डर किया। ये प्रीति भी उधर काशी मीरा में रहती है, ये उसके घर का एड्रेस और ये पूरा खबर अपना उस्मान लेकर आया। साहब उस्मान ने प्रीति पे नजर रखा हुआ था, मैं क्या बोलता साहब, आप लोग इस प्रीति को उठाइए और साथ में ना आसिफ के दोस्त राशिद को भी, ड्राइवर है, टैक्सी चलाता है, उसी की गाड़ी में ये लोग बॉडी को ठिकाने लगाने लेके गए थे। डिग्गी में से आवाज आ रही है। अबे तूने गला तो ठीक से दबाया था ना? हाँ यार, जब मैंने उसका गला दबाया था ना, पूरी सांस रुक गई थी उसकी। अब क्या करेंगे? राशिद तू एक काम कर, गाड़ी ना यहाँ से अंदर दबा ले, झाड़ी के अंदर ले ले, आगे पुलिस की चेकिंग मिल गई ना तो खाम खाम में प्रॉब्लम हो जाएगी यार। ठीक है भाई। ये है, ये राशिद का घर। राशिद खान, चल। मैडम, मैडम छोड़िए, मैडम कहाँ लेके जा रहे मेरे को? आसिफ मोहम्मद से मिल पाने, इंतजार कर रहे हैं। अरे साहब, साहब मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? साहब मेरी बात तो सुनो, करवा के पुलिस स्टेशन चल। अरे साहब मेरी बात तो सुनो, साहब मेरे किए क्या? हाँ साहब, यही आसिफ मोहम्मद का घर था, यही रहता था वो, और साहब सबको मालूम है वो क्या काम करता था। सिर्फ वही नहीं, उसकी बीवी भी इस धंधे में उसके साथ थी, बहुत नकचड़ी औरत थी साहब, एक बार हमारी जिग जिग भी हो गई थी उसके साथ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? हाँ, मैंने कभी तुम लोगों को धंधा करने के लिए बोला है? नहीं ना, ये शरीफों की रहने की जगह है, तू ना अपने गंदे धंधे अपने पति के साथ कहीं और जाके कर। पूरे मोहल्ले को गंदा कर रखा है तूने और तेरे पति ने। मुझे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो तुम लोगों को है और बहुत ज्यादा गंदगी भी लगती है, तो तुम लोग जाओ, मैं क्यों जाऊँ? हाँ, मैं तुम्हारे यहाँ झांकने के लिए आती हूँ, नहीं ना? ये उसकी बीवी है मरियम मोहम्मद? नहीं तो, ये उसकी बीवी नहीं है। नाम मरियम था कि क्या था क्या मालूम, ये तो झूठ भी बोल सकती है, यहाँ तो सब लोग उसको सबीना बुलाते थे। निकलो यहाँ से पूरा। ये तो देख, क्या औरत है ये? सबीना, आप लोगों में से किसी के पास सबीना की फोटो है? सब बात तो सुनो साहब, सब बात तो सुनो। सबीना, काशी मीरा में यही नाम रखा था ना मरियम का? अब 2 मिनट में मुझे पूरा सच बाहर चाहिए, वरना तीनों को यहीं गाड़ दूं। इसी को मारकर फेंका था ना आरे के जंगलों में, यही है ना तेरी बीवी? इसलिए मरियम मोहम्मद
आखिरकार ऐसा लगने लगा था कि उस अज्ञात लाश को पहचान मिलने जा रही है जो पुलिस को आरे के जंगल में मिली थी 14 दिन पहले, जिसका मर्डर हुआ था और अभी तक पता नहीं चला था कि वो कौन थी और उसे क्यों मारा गया था। पुलिस का मुखबिर गोविंद कत्ल के मकसद और पुख्ता सबूतों के साथ पुलिस के पास आया, पर आसिफ और उसके साथी राशिद और प्रीति एक ऐसे मर्डर का खुलासा करने वाले थे जो पुलिस के भी होश उड़ा देने वाला था और मर्डर के केस को एक नया मोड़ देने वाला था। हाँ साहब, हमने इसे मारा, लेकिन ये मरियम नहीं है, सबीना है। मरियम तो मेरी पहली बीवी का नाम है, जोधपुर में रहती है, जो आपकी बात कराई थी ना मैंने फोन पे। वे सबीना कौन है? सबीना कुरैशी, ये भी धंधा करती थी साहब, मैं दिल्ली में मिला था। मैं दिल्ली में 4 साल से काम कर रहा था साहब, वहीं 2 साल पहले इससे मिला था। ये लो, इस एड्रेस पे जाना है। और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुम लोगों ने? अरे थोड़े ढंग के कपड़े पहन के जाना, बड़े लोग हैं, समझ गई? और सुनो, जो बोले चुपचाप कर देना, खुश करके आना, बहुत मोटी पार्टी है, रेगुलर क्लाइंट बनाना है उन्हें। जी मैडम। अच्छा एक बात और, होटल के रिसेप्शन पे जाके ना खुद को गेस्ट बताना। क्या बताओगी? गेस्ट। और अंग्रेजी अंग्रेजी में बोलना। चलो जो, घबराओ मत जो। अरे सबीना जी, जरा गौर तो फरमाइए, ये ले तेरा हिस्सा। मैं और सबीना मिलके काम करते थे। सबीना लड़कियां ढूंढ कर लाती थी, ऐसी लड़कियां जिन्हें धंधा करने में कोई एतराज नहीं होता था। मैं ऐसे ही अनजान लोगों को दोस्ती के मैसेज भेजता था, जिसमें घुमा फिरा के धंधे की बात लिखता था। उसमें से कोई जवाब देता तो उसे हाई क्लास लड़की देने का ऑफर देता था। बिल्कुल साहब बिल्कुल, आप फिक्र मत करो साहब। अरे नहीं नहीं साहब, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ कहोगे लड़की पहुँच जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा, आप फिक्र मत करो। अरे मैं हूँ ना, देख लेना साहब, आप खुद ही बोलोगे यार आसिफ तूने दिल खुश कर दिया। सब सही चल रहा था साहब, पर फिर एक दिन हमारी एक लड़की पुलिस की रेड में पकड़ी गई और फिर पुलिस ने मुझे और सबीना दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हम दोनों जमानत पर बाहर तो आ गए, पर पुलिस रिकॉर्ड में आने के बाद वहां काम करना मुश्किल हो रहा था। साहब जैसे ही धंधा शुरू करते पुलिस उठा लेती, खर्चा पानी देने में तेल निकल गया हम लोगों का। बस मैंने और सबीना ने तय किया कि हम दिल्ली ही छोड़ देंगे, और 1 साल पहले हम लोग मुंबई आ गए। यहाँ आके हमने काशीमीरा में अपना धंधा जमा लिया। ओए, तेरे धंधे पानी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, सीधा मुद्दे पे है, वरना तेल निकाल देंगे मार मार के तेरा। सर वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, मियाँ ये प्रीति है ना, ये सामने से चल कर आई, पहले से इस धंधे में थी। मुझे सिखाएगा? आसिफ कल पैदा नहीं हुई मैं, समझा? एक तो प्रीति सामने से खुद चल के आई है, ऊपर से पूरे हफ्ते में 2 ग्राहक के पास भी नहीं गई है। अरे कैसे जाएगी, वो तबीयत ठीक नहीं है उसकी। तबीयत ठीक नहीं उसकी है? तबीयत ठीक नहीं है उसकी, मुझे घुमाएगा तू? मुझे पता नहीं मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है, पता नहीं है मुझे? ए, सबीना बहुत ज्यादा कर रही है तू, बोल रहा हूँ। मैं ज्यादा कर रही हूँ? हाँ तुझे क्या लगा, तू कल की आई हुई प्रीति के साथ टाका भिड़ाएगा और चुपचाप बैठी रहूंगी? मरियम नहीं हूँ मैं जो चुपचाप एक कोना पकड़ के रोने बैठ जाऊँ, समझा? साला चैन से खाना भी दुश्वार कर दिया तूने, जब से बकवास कर रही है तू। आसिफ एक बात ना कान खोल कर सुन ले, अगर तूने कहीं और मुंह मारा ना तो खाना छोड़, उल्टा मैं तुझे खा जाऊंगी, समझा? और हाँ, जाकर ना अपनी प्रीति को बोल दे यहाँ से उसका धंधा बंद, जहाँ से आई वहीं चली जाए, कल से मुझे यहाँ को दिखनी नहीं चाहिए, समझा? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है, जितना बोला उतना कर, चल निकल यहाँ से। मैं सबीना को खुश रख रहा था, माँ मरियम को भी और यहाँ स्प्रीति को भी, लेकिन ये सबीना कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी साहब। खुद किसी की जगह मारकर बैठी थी और अब उसे धर्मपत्नी बनना था, आसिफ की जिंदगी में सारी जगह उसे अकेली को चाहिए थी। सबीना को कैसे मारा और कहाँ मारा? वहीं काशीमीरा वाले घर में, रात के अंधेरे में गला दबा दिया उसने। राशिद और प्रीति को सब प्लान पता था, ये दोनों राशिद की टैक्सी लेकर रात को मेरे घर आए
और हम सबीना की बॉडी को ठिकाने लगाने निकले। उसकी सांस बंद हो चुकी थी तो मुझे लगा वो मर गई, पर वो मरी नहीं थी। हम तीनों उसकी बॉडी चैम्बूर में कचरे के ढेर में फेंकने वाले थे, पर फिर हमें प्लान चेंज करना पड़ा साहब। आसिफ, इसका चेहरा बिगाड़ देते हैं, कोई पहचान नहीं पाएगा। वैसे भी इसके आगे पीछे कोई नहीं था, किसी को भी नहीं पता चलेगा कौन थी। साली को जाने दो बिना पहचान के। ये घड़ी, अंगूठी, ये सब सबीना की है या पुलिस को गुमराह करने के लिए तुम लोगों ने उसकी बॉडी को पहनाया है? सब साहब सच बोल रहा हूं, हमने सबीना की बॉडी पर कुछ नहीं डाला। मतलब ये घड़ी और अंगूठी सबीना की है? नहीं साहब। तो ये सब बॉडी पे कहां से आए? ये कपड़े, ये जीन्स टॉप सबीना के है ना? नहीं, ये कपड़े उसके नहीं है। मतलब पहले तुम लोगों ने सबीना का कत्ल किया, उसके बाद उसकी बॉडी को ये सब पहना है? साहब हमने ना कोई कपड़े बदले हैं, ना कोई अंगूठी पहनाई है, ना हमने कोई जींस पहनाई है। हमने बस पत्थर उठाया और उसका चेहरा बिगाड़ा ताकि कोई उसकी लाश को पहचान ना सके। साहब राशिद, प्रीति, आसे, तुम लोग दिमाग खराब मत। ध्यान से देख, इसकी बॉडी पे, ये सबीना की बॉडी है, इसकी बॉडी पे ये नहीं साहब, ये सबीना की लाश नहीं है। ये मत सोचना कि बॉडी के कपड़े बदल दिए थे तुम दोनों मर्डर के चार से बच जाओगे। सबीना का कोई रिश्तेदार है? पता नहीं, दो साल पहले दिल्ली में मिली थी, तब तो बोल रही थी कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है साहब। ओए, ज्यादा नाटक मत कर, ये बॉडी सबीना की है ना? जब मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसे मारा है, तो भला मैं अब क्यों झूठ बोलूंगा कि ये लाश सबीना की नहीं है? आसिफ सच बोल रहा है साहब, सबीना ने लाल सलवार और हरा कुर्ता पहना था और हमने तो उसके बॉडी से अंगूठी, चैन सब कुछ निकाल लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जिससे उसकी पहचान हो सकती थी। साहब ये आसिफ एक नंबर का झोलर आदमी है, यहाँ एक औरत को अपनी बीवी बताता है और पकड़ा जाता है तो पता चलता है बीवी तो जोधपुर में है। बहुत चालाक आदमी है सभी। उसे अच्छी तरह से पता है कि अगर उसने कबूल नहीं किया तो हमें ये साबित करने में मुश्किल होगा कि ये सबीना की बॉडी है, इसलिए उसने सारी प्लानिंग पहले से की थी। सबीना की बॉडी के कपड़े, जूते, ज्वेलरी सब कुछ बदल दिया गया ताकि अगर कभी पकड़े भी गए और जुर्म कबूल भी करना पड़ा तो बॉडी पहचाने से मना कर दे। डीएनए टेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता जब वो खुद बोल रहा है कि उसे पता नहीं कि सबीना कहाँ से थी, उसका परिवार है भी या नहीं। एक और तरीका है इनसे सच खुलवाने का, इन तीनों को अलग अलग तोड़ दो। निर्मला तुम प्रीति को देखो, मैं और कुलकर्णी राशिद और आसिफ को संभालते। एक टीम आसिफ और राशिद को लेकर उस स्पॉट के लिए निकली जहां उन्होंने सबीना की लाश को फेंका था, दूसरी टीम क्राइम स्पॉट का पता लगाने के लिए प्रीति को लेकर अलग से निकली। पता बॉडी कहां फेंकी थी और जिस पत्थर से चेहरा बिगाड़ा था वो पत्थर कहां था? तुमने बॉडी यही फेंकी थी? हाँ मैडम, वो जो पेड़ है ना वो साइड में, पत्थर उसी के पास पड़ा था। मैडम
राशिद ने पत्थर यहाँ से उठाया था। और सबीना की लाश यहाँ पड़ी। पक्का तुमने बॉडी यही फेंकी थी? हाँ मैडम। पता जल्दी कहाँ फेंकी थी? साहब, हमने सबीना की लाश को यहाँ नहीं फेंका था। साहब यहाँ नहीं फेंका था तो कहाँ फेंका था? साहब ये जगह तो गोरेगांव हाईवे से 2 मिनट की दूरी पर है। हम लोग तो आ रहे के उस पर पवई तक निकल गए थे और वहाँ सबीना को होश आ गया था तो हम लोगों ने गाड़ी अंदर की तरफ ले ली थी। सर मुझे लगता है ये लोग सच बोल रहे हैं, क्योंकि प्रीति हमें जिस जगह लाई है ये भी आरे का एक हिस्सा है, लेकिन ये उसका दूसरा छोर है, पवई साइड की तरफ। ओके निर्मला, तुम वहीं रुको, हम लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं। आसिफ और राशिद भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने सबीना की बॉडी यहाँ नहीं फेंकी थी। चलो जहाँ बोल रहे हो वहाँ चलो, देखते हैं क्या बताते हो तुम लोग, कहाँ फेंकी थी बॉडी तुम लोगों ने। हैरानी की बात यह थी कि आसिफ मोहम्मद और राशिद खान पुलिस को ठीक उसी जगह लेकर गए जहां प्रीति पुलिस की दूसरी टीम को लेकर पहुंची। अरे साहब, तब हमने सबीना की लाश को उस पेड़ के पास फेंका था और पत्थर भी वहीं था। साहब सर प्रीति ने भी बिल्कुल यही कहा था कि लाश यही फेंकी थी और पत्थर भी यही था। ये एरिया तो हमारे अंडर में आता भी नहीं, ये तो सीआर मार पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। और दूसरी तरफ आसिफ कह रहा है कि उसने अपनी बीवी सबीना को 3 सितंबर की रात को गला दबाकर मारा, हमें बॉडी 4 सितंबर को मिली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर 4 सितंबर की सुबह 6 बजे के आसपास हुई। तो फिर इस हिसाब से जो बॉडी हमें मिली वो सबीना की नहीं हो सकती, फिर किसकी बॉडी है? हमें सीआर मार पुलिस स्टेशन से पता करना चाहिए कि क्या 3 सितंबर की सुबह उन्हें यहाँ से कोई बॉडी मिली थी या नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 3 सितंबर की सुबह उस जगह हमें एक औरत की बॉडी मिली थी जिसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया गया। 3 सितंबर की सुबह बॉडी मिली थी? आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी यही पता चला कि 2 सितंबर की रात को गला घोंटकर उसका मर्डर किया गया। आसिफ तुम कह रहे हो कि तुमने सबीना का मर्डर 3 सितंबर की रात को किया, सही है? मैडम तारीख तो याद नहीं है लेकिन मर्डर मैंने रात को ही किया था। आपको जो बॉडी मिली थी उस औरत ने लाल सलवार और हरा कुर्ता पहना था। हाँ वही था, और अभी 4 दिन पहले ही हमने उसकी बॉडी को दफनाया लेकिन अभी तक हमें उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई। आपको इस केस के बारे में कोई लीड मिला है क्या? हाँ शायद। हाँ साहब ये सबीना ही है। ये आसिफ सच बोल रहा है, ये लाल सलवार और ये हरा कुर्ता हमें बॉडी से ही मिले। संजय जी आपने हमारा केस ही सॉल्व कर दिया। वो अज्ञात औरत की लाश जो वीएस पुलिस को मिली थी और दफनाई जा चुकी थी उसकी शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई थी, उसकी पहचान सामने आनी अब भी बाकी थी। रोविन, तेरी टिप ने श्रीकंद का केस तो सॉल्व कर दिया लेकिन हमारा केस अभी वहीं अटका हुआ। सवाल अभी यही है कि औरत कौन थी, उसे किसने मारा, क्यों मारा? ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा सर, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना खोद के निकालने के बाद पता चला कि मर्डर तो हुआ है पर अपने केस के अलावा दूसरा एक केस सॉल्व हो गया और अपना केस वहीं का वहीं रखड़ रहा है। जैसे आसिफ सबीना को मारकर चुप बैठा था वैसे कोई है जो इसे मारकर चुप बैठा है और इसे कोई पूछने वाला नहीं। शायद हो सकता है कि पूछने वाला हो और पूछ भी रहा हो लेकिन उसे जवाब ना मिला। अब तो मेरा यकीन और भी पुख्ता हो चला, ये औरत मुंबई की नहीं थी, ये औरत किसी दूसरे शहर से मुंबई में आई हो। शीला, राधिका का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस क्या कह रही है? ये नैना सबरवाल और ये उसका बॉयफ्रेंड आशीष मिश्रा, ये दोनों फोटो चंडीगढ़ पुलिस ने भेजी।
सर, नैना की डिटेल्स उस डेड बॉडी से मैच करती है जो हमें आरे में मिली। ये दोनों 18 अगस्त से गायब और इन दोनों की फैमिली ने मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज करवाई। ऑनर किलिंग, इज्जत के नाम पर लड़की को मार डाला शायद। सर, ये राधिका जी, उम्र 27 साल, 21 अगस्त से पटना से मिसिंग। 22 अगस्त को उसके पिता रमाकांत झा और माँ शीला झा ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी पटना पुलिस में। इसके डिटेल्स भी बिल्कुल मैच करती उस डेड बॉडी से जो हमें आरे में मिली। इसके पिता इसकी शादी करवाना चाहते थे, जिसकी वजह से राधिका का झगड़ा उसके पिता से हुआ और वह घर छोड़ के चली गई। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं। अजब की बात यह है कि जो डेड बॉडी हमें मिली थी, अगर वो डेड बॉडी नैना सबरवाल की थी तो फिर उसका बॉयफ्रेंड आशीष कहाँ है? और अगर ये डेड बॉडी नैना की नहीं बल्कि राधिका झा की है तो एक सवाल ये है कि राधिका झा पटना से मुंबई कैसे है, किसके साथ है, इसे किसने मार डाला और क्यों मार डाला? और अगर ये डेड बॉडी इन दोनों में से किसी की नहीं है तो क्या हमें राधिका और नैना इन दोनों को भी ढूंढना चाहिए जैसे हमने सबीना का पता लगा? जो भी हो, अब हम इस केस में इतना आगे आकर रुक तो नहीं सकते। अब हमें विक्टिम का पता लगाना ही होगा, फिर चाहे विक्टिम कोई भी हो। क्या वो अनजान लाश नैना सबरवाल की थी या राधिका झा की? इन दोनों में से वो कौन हो सकता था जिसकी लाश पुलिस को मिली थी और पहचान अभी तक नहीं हो पाई? ये विक्टिम आखिर थी कौन? मरने वाली की पहचान अब तक अनकही अनसुनी थी। क्या ये राधिका या नैना में से किसी एक की कहानी थी या फिर ये कोई और ही थी जिसके बारे में पुलिस अब तक बेखबर थी? सर, मुझे लगता है इस आसफ को और तोड़ना है। जैसे 3 सितंबर की रात को उसने सबीना को मार के फेंका था, शायद इन्हीं लोगों ने 4 सितंबर की सुबह किसी और को मार के फेंक दिया होगा। क्या वाकई में इस अज्ञात औरत की पहचान और उससे जुड़े सभी सवालों के जवाब के लिए सिर्फ आसिफ मोहम्मद जिम्मेदार था या फिर कोई और था जो पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था? राकेश, जो घड़ी तुमने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी, पुलिस फोन करके उस घड़ी के लिए इतने सवाल क्यों कर रही है? तुम क्या कहना चाहती हो प्रिया? तुम्हें लगता है कि वैसी घड़ी मैंने किसी और को भी गिफ्ट की है क्या? एक तरफ एक अनजान पीड़ित औरत की लाश जमीन के नीचे दफन थी और दूसरी तरफ जुर्म करने वाला अपराधी भी गुमनामी के पीछे छुप गया था। और ये गुमनामी पीड़ित की पहचान न हो पाने की वजह से पैदा हुई थी। वो पीड़ित जो खुद अपनी कहानी बयां नहीं कर सकती थी कि उसके ऊपर क्या बीती थी। तमाम तरह की मुश्किलों और चुनौतियों को पार करते हुए पुलिस ने ये केस कैसे हल किया? उस औरत, उस अज्ञात पीड़ित की पहचान करते हुए पुलिस कातिल और कत्ल के मकसद तक कैसे पहुंची, ये हम देखेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।